आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्की के अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में। दो दिन पहले एक टर्किश डिफेंस रिसर्चर हैं, टाइफून ऑसबर्ग, उन्होंने ट्विटर के ऊपर कुछ फोटोग्राफ्स शेयर की थी। अभी आप अपनी स्क्रीन पर इन्हीं फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं, और जैसे ही आप इन फोटोग्राफ्स को इनिशियली देखते हैं तो एक ऑब्वियस सा थॉट आता है कि ये हेलीकॉप्टर काफी हद तक भारतीय LCS से मिलता जुलता है। माना जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर एक अनमैन प्लेटफॉर्म होने वाला है। हालांकि ये चीज अभी क्लियर नहीं है कि ये अनमैंड और ऑटोनोमस होगा या केवल अनमैंड होगा, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के फ्रंटल फ्यूसेलाज के ऊपर आप कई कैमरास देख सकते हैं, जिसके वजह से लगता है कि ये हेलीकॉप्टर अनमैंड होने वाला है और इसमें केवल लिमिटेड ऑटोनोमस फीचर होने वाले हैं। वैसे ये अटैक हेलीकॉप्टर प्रोटोटाइप नहीं है। अगर आप इसको काफी क्लोज से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये केवल एक मॉकअप मॉडल है, यानी कि एक्चुअल सिस्टम कम से कम 1.5 से 2 साल दूर है। हालांकि चाइना और टर्की में जो टेस्टिंग साइकिल है वो काफी ज्यादा छोटी है, और इसी वजह से उनके सिस्टम्स थोड़े जल्दी बन जाते हैं। अगर इस हेलीकॉप्टर की प्रोफाइलिंग देखी जाए तो इसको काफी ज्यादा स्टेल्थ के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, और इसी वजह से इस हेलीकॉप्टर का डिजाइन काफी हद तक भारतीय LCH की तरह दिख रहा है, क्योंकि LCH खुद में ही रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर का ऑप्टिमाइज वर्जन है, और इस हेलीकॉप्टर की स्टेल्थ प्रोफाइलिंग की गई है। रुद्रा और LCH के डिजाइन को जब आप कंपेयर करते हैं तो दोनों सिस्टम्स के बीच में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। वहीं अगर टर्की की बात की जाए तो टर्की के पास में अपना खुद का अटैक हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर है T-129 ATAK। इसको टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री और अगस्ता वेस्टलैंड ने मिलकर बनाया है, और ये हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड के A-129 मैंगोस्टा प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर T-129 ATAK को देख रहे हैं, और इसको आप कंपेयर करते हैं A-129 मैंगोस्टा से, और अभी आपकी स्क्रीन पर A-129 मैंगोस्टा है, यानी कि T-129 पूरी तरीके से अगस्ता वेस्टलैंड A-129 मैंगोस्टा ही है, बस इसको टर्किश रिक्वायरमेंट के लिए मॉडिफाई किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एयरफ्रेम, इंजन्स, ट्रांसमिशन, रोटर ब्लेड, सारा कुछ अगस्ता वेस्टलैंड A-129 का ही है। हालांकि इसके ऊपर एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स टर्किश है। इस हेलीकॉप्टर के 51 यूनिट टर्किश फोर्सेस के साथ में ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और लगभग उतने ही यूनिट ऑर्डर पर है। वहीं उनकी जो GGC है, जो इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, उसके पास 6 यूनिट्स हैं और 18 यूनिट ऑर्डर पर हैं। इस हेलीकॉप्टर की 30 यूनिट पाकिस्तान आर्मी एविएशन कोर खरीदना चाहती है, और माना जा रहा था कि फिलीपींस भी इस हेलीकॉप्टर में इंटरेस्टेड है। वहीं अगर इटालियन मैंगोस्टा की बात की जाए तो ये हेलीकॉप्टर AGM-114 हेलफायर या स्पाइक मिसाइल कैरी करता है। वहीं एयर टू एयर रोल के लिए स्टिंगर और मिस्त्राल का प्रयोग करता है, यानी कि ओवरऑल ये वेपन सिस्टम्स या तो फ्रेंच ओरिजिन के हैं या US ओरिजिन के हैं, और टर्किश वर्जन में इन वेपन सिस्टम्स को टर्किश वेपन से रिप्लेस किया गया है। यहाँ पर आइडिया था कि टर्की का इस हेलीकॉप्टर के ऊपर ज्यादा कंट्रोल हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस हेलीकॉप्टर के इंजन रोल्स रॉयस बनाता है। वहीं टर्किश वेरिएंट का इंजन हनीवेल और रोल्स रॉयस मिलकर बनाते हैं, और चीजें अभी वहीं पर फंसी हुई हैं। वैसे अगर इस हेलीकॉप्टर को देखा जाए तो समझ में आता है जो टर्किश अनमैन्ड हेलीकॉप्टर का प्लान है, यानी कि T-629 ATAK, ये T-129 ATAK का ऑप्टिमाइज वर्जन है, और इस हेलीकॉप्टर की स्टेल्थ प्रोफाइलिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि ये काफी हद तक भारतीय LCH की तरह दिख रहा है। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब टर्की अपने सिस्टम के ऊपर काम कर रहा होगा तो उन्होंने भारतीय सिस्टम को एनालाइज किया होगा। ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, आप अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हैं। और रही बात डिजाइन को लेकर, तो कई बार होता है कि एक सिस्टम की डिजाइन दूसरे सिस्टम से मिलती है। एग्जांपल के तौर पर सारे 5th जनरेशन फाइटर जेट की डिजाइन कहीं ना कहीं F-22 Raptor और F-35 Lightning II से मिलती हैं। लेकिन जब आप अपना खुद का डिजाइन बनाते हैं तो उस डिजाइन के ऊपर आपका बेहतर कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आज की तारीख में भारत के पास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के डिजाइन के ऊपर बहुत अच्छा होल्ड है, और इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन के ऊपर आने वाले कई सारे फाइटर जेट्स बनाए जा रहे हैं। और जब आपके पास एक डिजाइन का होल्ड होता है तो आप उस डिजाइन को स्केल अप या स्केल डाउन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, उसमें छोटे छोटे चेंजेस करके उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आमतौर पर भारत में एक चीज पूछी जाती है कि जैसे चाइना रिवर्स इंजीनियर करके डिजाइन बना रहे हैं, क्या भारत ऐसे डिजाइन नहीं बना सकता?
वेल, उसका आंसर आज के इस वीडियो में हम लोग देते चलते हैं। जब डिजाइन आपका खुद का होता है, यानी कि जब आपने स्क्रैच से वो डिजाइन बनाया होता है, तो आपके पास उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। हालांकि ये प्रोसेस स्लो होता है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन वो डिजाइन पूरी तरीके से आपकी होती है और आपके पास उसका ज्यादा कंट्रोल होता है। जरूरत के हिसाब से उसको आप स्केल अप, स्केल डाउन या मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज रिवर्स इंजीनियर करते हैं, तो उसमें चेंज का स्कोप लिमिटेड होता है। बेस्ट एग्जांपल है चाइनीज J-15 फाइटर जेट्स। चाइना ने यूक्रेन से एक अनफिनिश्ड SU-33 प्रोटोटाइप खरीदा था और इस प्रोटोटाइप के बेसिस पर J-15 फाइटर जेट बनाया है। काफी हद तक उनके पास डिजाइन यूक्रेन से आ चुके थे और उसके बाद उसको थोड़ा स्टडी करके, मॉडिफाई करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस फाइटर जेट को बनाया है। लेकिन इस फाइटर जेट की परेशानियों को वो आज भी रेक्टिफाई नहीं कर पाए हैं। और यही प्रॉब्लम होती है जब डिजाइन आपका खुद का नहीं होता है। हालांकि चाइना की तरफ से इस चीज को दूर करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में J-31 चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा। हालांकि कई एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि J-31 F-35 की चाइनीज कॉपी है, लेकिन J-31 एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है और जैसे ही एक इंजन से दो इंजन होते हैं, आपके कंट्रोल लॉस बदल जाते हैं। और चाहे आप कितना भी ज्यादा रिवर्स इंजीनियर कर रहे हो, वहां पर आपको कंट्रोल लॉस स्टडी करने पड़ते हैं और इस दौरान डिजाइन के ऊपर काफी हद तक काम किया जाता है। ओवरऑल J-15 की तुलना में J-31 के डिजाइन के ऊपर चाइनीज डिजाइनर्स का बेहतर होल्ड होगा। हमारे यहाँ ये चीज मानी जाती है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और इसी वजह से भारत में रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं की जाती है। इस तरीके की अप्रोच लॉन्ग रन में काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। हाँ, शायद जरूरत है अपनी अप्रोच को चेंज करने की, स्लो एंड स्टडी की जगह स्विफ्ट एंड स्टडी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।